कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। और आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ आलू का फेशियल। आलू के बारे में आपने सुना ही होगा या फिर कहीं पर पढ़ा ही होगा कि आलू है जो कि हमारे फेस पैक के लिए कितना ही बेनिफिशियल होता है। इससे हमारे चेहरे पर होने वाली जो पिगमेंटेशन होती है या दाग धब्बे या झुर्रियाँ हो जाती हैं, तो उन सभी को रिड्यूस करने में यह बहुत ज़्यादा हेल्प करता है। तो मैं आज आपके लिए आलू का फेशियल लेकर आई हूँ और इस फेशियल से आप पार्लर से ज़्यादा निखार है जो कि अपने घर पर रहकर ही पा सकते हैं। और इसके लिए हमें कहीं भी जाने की ज़रूरत नहीं है। और जो भी मैं इसके अंदर इंग्रेडिएंट यूज़ करूँगी वो हमारे किचन के अंदर ईजिली अवेलेबल होते हैं। तो चलिए अब मैं स्टार्ट करती हूँ इसके बारे में इस पैक को बनाने में कि हमें इसके अंदर कितने पैक चाहिए और क्या क्या इसके अंदर इंग्रेडिएंट है मैं यूज़ करूँगी वो भी आपको बताऊँगी। तो पहले हम इसके जो स्टेप हैं उनको प्रिपेयर कर लेते हैं और उसके बाद मैं इसको अप्लाई करके है जो कि वो भी दिखाऊँगी। तो सबसे पहले क्या है, जैसे कि मैंने ये कटोरी ली है और इसके अंदर मैं आलू का रस लेंगी। जो आलू है, चाहे आप मिक्सी के अंदर ग्राइंड कर लीजिए या फिर आप आलू कद्दूकस कर लीजिए। तो जैसे कि मैंने आलू को कद्दूकस कर लिया और उसके बाद मैं इसमें से जो रस है वो निकाल लूँगी। आलू का कलर थोड़ा सा चेंज हो चुका है क्योंकि इसको मैंने थोड़े से टाइम पहले निकाला था। और ये है आलू का रस, और आलू का जो रस है मैंने निकाल लिया है और यह हमारे जो फेस के अंदर जो डर्ट होती है उसको निकालने में बहुत ही ज़्यादा हेल्प करता है। और इसके बाद मैं इसके अंदर ऐड करूँगी मलाई। ये एक चम्मच मलाई है जो कि क्या करता है हमारे फेस के ऊपर जो कि क्या हेल्प करता है हमारी स्किन को मॉइस्चर करने का जो कि काम करता है। और हमारी स्किन के ऊपर जैसे कि ड्राई हो जाती है, अगर आपकी स्किन बहुत ज़्यादा ड्राई है तो उसके लिए यह बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल है। अगर आपकी स्किन ऑयली है तो आप इसके अंदर एलोवेरा जेल है जो वो ऐड कर सकते हैं। और क्योंकि जो आलू का पैक होता है वह सभी स्किन टाइप वालों के लिए है, ये नहीं है कि ये ड्राई वालों के लिए ही है या स्किन वालों के लिए है, नहीं, इसको सभी कर सकते हैं। लेकिन जो इंग्रेडिएंट चेंज होगा वो मैं आपको बता दूंगी। जैसे कि अगर आपकी स्किन ड्राई है तो आप इसके अंदर है जो कि मलाई डाल लीजिए, अगर आपकी स्किन ऑयली है तो आप इसके अंदर एलोवेरा जेल डाल लीजिए, ठीक है। तो मैंने इसके अंदर मलाई डाल ली है और उसके बाद मैं इसके अंदर ऐड करूँगी हनी। और इन सभी चीज़ों को मिलाकर जो मेरी पैक है जो वो बनकर तैयार हो चुका है। और इसके बाद मैं ये मैंने जो फर्स्ट स्टेप है इसको प्रिपेयर कर लिया है और अब मैं इसका जो मेन स्टेप है उसको प्रिपेयर करती हूँ। फर्स्ट स्टेप क्या है, यही मैंने जो रस प्रिपेयर किया है इन सभी चीज़ों को मिलाकर, तो मैं इसका एक चम्मच है जो वो अलग कटोरी में ले लूँगी। और अलग कटोरी में लेने के बाद मैं इसके अंदर एक चम्मच है जो कि हनी का ऐड करूँगी, जो कि हमारी क्रीम का काम करेगा। और इसकी अच्छे से मसाज करनी है अपने फेस के ऊपर जब इसको अप्लाई करोगे। और ये मैंने इसके अंदर डाल दिया है और ये मेरा है जो कि फर्स्ट स्टेप है जो कि फेशियल का बनकर तैयार हो चुका है। और इसके बाद मैं नेक्स्ट स्टेप हमारा फेशियल के अंदर क्या होता है, स्क्रब। तो ठीक है, स्क्रब मैंने एक चम्मच है जो कि शुगर ली है और इसके अंदर जो मैंने ये प्रिपेयर किया था इसका एक चम्मच डालूँगी। और इसके अंदर मैं ऐड करूँगी बेसन। बेसन हमारे जो त्वचा का रंग होता है उसको निखारने में बहुत ज़्यादा हेल्प करता है। और ये मेरा स्क्रब है जो कि बनकर तैयार हो चुका है। और थोड़ा
थोड़ा सा मैं इसके अंदर लेमन डाल दूंगी, क्योंकि लेमन क्या है, यह है एक नेचुरल ब्लीचिंग एजेंट है और जो कि हमारी स्किन को प्रॉपर क्लीन कर देता है और जो हमारे पोर होते हैं, क्योंकि जब हम स्क्रब करते हैं तो हमारे पोर ओपन होते हैं, तो उसके अंदर यह है जाकर जो भी उसके अंदर डर्ट होती है या फिर हार्मफुल कुछ भी तत्व होते हैं तो उनको बाहर निकालने के अंदर मदद करता है। और इसको मैं अच्छे से मिक्स कर दूंगी और यह है बनकर तैयार हो चुका है। यह स्टेप हुआ स्क्रब का और लास्ट स्टेप है पैक का। पैक के लिए जो मैंने ये वाला मटेरियल लिया था, सबसे पहले बनाया था, मैं इसी को ले लूँगी और इसके अंदर मैं एक चम्मच है जो कि बेसन ऐड करूँगी। और दो चुटकी मैं इसके अंदर है जो कि हल्दी डालूँगी। और अब मेरा जो पैक के जो इंग्रेडिएंट हैं वो कंप्लीट हो चुके हैं और अब मैं इनको अच्छे से मिक्स कर लूँगी। और जैसे कि अभी जो मेरा पैक है वो थोड़ा सा थिक है, तो मैं इसको थोड़ा सा लिक्विड, मतलब थोड़ा सा ऐसा पेस्ट बनाऊंगी ताकि मेरे फेस के ऊपर अप्लाई हो जाए। तो मैं इसके अंदर थोड़ा सा गुलाब जल डाल दूंगी, जो थोड़ा सा थिक है, तो मैं अब इसके अंदर थोड़ा सा गुलाब जल डाल देती हूँ। और देखो ये मेरा पैक बनकर तैयार हो चुका है। देख सकते हो और अब यह है इजीली है जो कि अप्लाई हो जाएगा। तो ये मेरे 3 स्टेप हैं और आपका जो फेशियल है वह इन 3 स्टेपों में ही कंप्लीट हो जाएगा। तो सबसे पहले जो स्टेप है ये वाला है और यह जब हम इसको यूज़ करेंगे तो यह एक क्लींज़र का काम करेगा। जैसे कि हम जब भी फेशियल करते हैं तो सबसे पहले अपनी फेस की क्लींजिंग करते हैं, उसके बाद ही हम अपने फेस पर स्क्रब करते हैं। तो सबसे पहले हम क्लींजिंग करेंगे, उसके बाद स्क्रब करेंगे और उसके बाद अपने चेहरे के ऊपर पैक लगाएंगे। तो स्टार्ट करते हैं क्लींजिंग से। चाहे तो आप इसे अपने हाथों की सहायता से ही अप्लाई कर लीजिए और चाहे आप इसको ब्रश की सहायता से अप्लाई कर सकते हैं। जैसे कि क्लींजर मैंने अपने फेस के ऊपर अप्लाई कर लिया है और अप्लाई करने के बाद अब इसकी अच्छे से मसाज करेंगे। हमें अपने प्रॉपर सभी एरिया को कवर करना है, क्योंकि इससे क्या होगा, हमारे फेस के ऊपर जो भी डर्ट है वो रिमूव हो जाएगी और हर एक प्रॉपर पार्ट की अच्छे से मसाज कीजिए। मसाज करने के बाद आप इसे 1 या 2 मिनट के लिए छोड़ दीजिए और उसके बाद अपने फेस को प्लेन वाटर से वॉश कर लीजिए। और गाइस मेरा 1st स्टेप है जो कि कंप्लीट हो चुका है और आप इसको अपनी आईज़ वाले एरिया पर अच्छे से लगा सकते हैं, आईज़ के यहाँ वाले एरिया पर भी लगा सकते हैं और अच्छे से मसाज कर सकते हैं। इससे क्या होगा कि हमारी जो भी आईज़ के ऊपर टैनिंग हो जाती है या फिर डार्क सर्कल होते हैं वो, तो उसको रिड्यूस करने में यह बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल है। तो नेक्स्ट स्टेप है, अभी स्क्रब की बारी है और स्क्रब को मैं अपने फेस के ऊपर है जो कि अप्लाई करूँगी। आपको जो स्क्रब है अपनी फिंगर की टिप के ऊपर लेना है और उसके बाद अपने नोज़ वाले एरिया से आपको स्क्रब है जो कि वो स्टार्ट करना है। और ज़्यादातर प्रॉब्लम हमारे नोज़ वाले एरिया पर ही होती है, तो इसलिए हमें अपना जो स्टेप है वो नोज़ वाले एरिया से ही स्टार्टिंग करना है और हमें नोज़ वाले एरिया की अच्छे से मसाज करनी है। 2 मिनट तक नहीं, और अच्छे से मसाज करनी है थोड़ी सी। और गाइज मैंने इसको अपने फेस के ऊपर है जो कि प्रॉपर लगा लिया है और आपको कुछ पार्ट्स हैं जिनके ऊपर अच्छे से है जो कि स्क्रबिंग करनी है। क्या है कि स्क्रब हमें ज़्यादा टाइम तक नहीं करना है, सिर्फ 30 सेकेंड है जो कि वो सफिशियंट है आपकी स्क्रब के लिए। क्योंकि क्या होता है, अगर हम ज़्यादा देर तक रब करेंगे तो हमारी स्किन है इंजरी हो सकती है, तो इसलिए हमें 30 सेकेंड सफिशियंट है।
तो कुछ पार्ट्स हैं जहाँ पर मैं आपको बताती हूँ कि हमें यहाँ वाले एरिए पर थोड़ा सा ज़्यादा करनी होती है, बिल्कुल थोड़ी सी, जैसे कि अच्छे से प्रेस से करके थोड़ी सी करनी होती है। और आपने जो माथा, जो हमारा हेड होता है, तो यहाँ पर भी थोड़ी सी अच्छे से करनी होती है, तो हमारी जो यहाँ पर कीलें होती हैं वो भी निकल जाती हैं। और जो नोज़ वाला एरिया होता है यहाँ पर भी अच्छे से करनी होती है, और यहाँ पर आप अपनी फिंगर की सहायता से भी आप यहाँ पर कर सकते हैं, और थोड़ा सा यहाँ वाले एरिया पर, क्योंकि अगर डार्क है तो यहाँ पर थोड़ा सा कर सकते हैं। और आपको 30 सेकेंड मिनिमम, आपको जो स्क्रब है वो 30 सेकेंड ही करना होता है, इससे ज़्यादा मत कीजिए। और थोड़ा सा करने के बाद आप अपने चेहरे को 1 या 2 मिनट तक ऐसे ही रखिए, और उसके बाद प्लेन वाटर से वॉश कर लीजिए। और गाइस, मैंने अपने फेस को क्लीन कर लिया है, और अब बारी है नेक्स्ट स्टेप की, और वो है फेस मास्क। इसको मैं अपने फेस के ऊपर अप्लाई करूँगी, क्योंकि अब मेरे पोर है जो कि वो ओपन हो चुके हैं, और अगर मैं पैक अप्लाई नहीं करूँगी तो पोर मेरे ओपन है, तो जो भी डस्ट है वो मेरे पोर के अंदर चली जाएगी, और जो कि मुझे फेशियल के बेनिफिट की बजाय मुझे नुकसान हो जाएगा। तो इसलिए अब मैं अपने फेस के ऊपर है पैक अप्लाई करूँगी। अगर पेस्ट थोड़ा थिक है तो आप उसमें गुलाब जल ऐड कर सकते हैं, और थोड़ा लिक्विड सा बना लीजिए ताकि वो अपने आपके फेस के ऊपर अच्छे से अप्लाई हो जाए। और गाइस, मैंने पैक को अपने फेस के ऊपर अच्छे से अप्लाई कर लिया है, और मैंने अपने पैक को अपनी फिंगर की सहायता से अप्लाई किया है, क्योंकि क्या होता है कि जब हम ब्रश से अप्लाई करते हैं तो मुझे इतना मज़ा नहीं आता जितना मज़ा मुझे अपनी उंगलियों के साथ अप्लाई करने से आता है। और अब मैं थोड़ी सी इसको अच्छे से अप्लाई कर लूँगी ताकि ये हर जगह अप्लाई हो जाए, और उसके बाद अब मेरा कंप्लीट हो चुका है, और अब मैं 15 या 20 मिनट के लिए आप इसको ऐसे छोड़ सकते हैं, तो उसके बाद आप प्लेन वाटर से अपने फेस को है जो कि क्लीन कर सकते हैं। गाइस, मैंने अपने फेस के ऊपर प्रॉपर अप्लाई कर लिया है, और अब मैं इसको 15-20 मिनट के लिए छोड़ दूँगी, और उसके बाद अपने फेस को है जो कि प्लेन वाटर से वॉश कर लूँगी। और गाइस, आप देख सकते हो मैंने अपना जो भी फेशियल के स्टेप थे वो कंप्लीट कर लिए हैं, और मेरा जो फेशियल है वो कंप्लीट हो चुका है, और आप मेरे चेहरे को देख सकते हैं, और मेरे चेहरे पर एक अलग सा निखार आ चुका है। मेरे चेहरे के ऊपर जो भी टैनिंग थी या डलनेस थी वो सभी रिमूव हो चुकी है, और मेरा चेहरा कैसे फ्रेश लग रहा है। तो आप भी अपने चेहरे को फ्रेश कर सकते हैं, और जैसे कि हमारी स्किन होती है उसको भी रेजुवेनेट हो जाती है, और हमारा चेहरा है जो कि निखर जाता है, और स्किन पर ग्लो आता है, और हमारे चेहरे पर जो भी प्रॉब्लम होती है वह बिल्कुल छुमंतर हो जाती है, और हमारा चेहरा एकदम सा ब्राइट लगने लगता है, और हमारी जैसे कि स्किन टोन होती है वो भी अंदर से जैसे कि शाइन करती है, और एक अलग सा निखार आ जाता है हमारे चेहरे पर। तो हमें ऐसे जैसे कि होम रेमेडी से भी अपनी जैसे कि स्किन की केयर करनी चाहिए। और लेकिन मैं आपको ये भी कहना चाहूँगी, क्योंकि काफ़ी की स्किन बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होती है, तो हमें थोड़ा सा पैच टेस्ट है जो कि वो ज़रूर कर लेना चाहिए, क्योंकि क्या होता है कि किसी को कोई चीज़ शूट नहीं करती है, तो इसलिए आप उससे पहले छोटा सा पैच टेस्ट है वो ज़रूर कीजिए। और आज के लिए इतना ही। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करना, शेयर करना एंड सब्सक्राइब करना मत भूलना। थैंक यू।